इंदौर में दीपावली के पहले घर की सफाई करवाना एक कारोबारी को भारी पड़ गया। सफाई करते करते इन महिलाओं ने घर की अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात पर ही हाथ साफ कर दिए और लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गई। चोरी की यह घटना इंदौर के विजयनगर इलाके की है। कारोबारी संजय अग्रवाल ने दीपावली से पहले घर की सफाई के लिए दो महिलाओं को बुलाया था। महिलाओं ने कुछ समय तो घर की सफाई की और अचानक से मौका पाकर उन्होंने घर की अलमारी की तलाशी ली। इस दौरान उन्हें अलमारी में रखे सोने और चांदी के जेवर नजर आए, जिसको देखकर उनके मन में लालच आ गया और उन्होंने जेवरात पर हाथ साफ करते हुए मौके से रफू चक्कर हो गई। कारोबारी जब कमरे में पहुंचे तो उनके भी होश उड़ गए, जिसके बाद उन्होंने विजयनगर थाने पहुंचकर महिलाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। आरोपियों के नाम मनीषा और राधा सामने आए हैं। फरियादी के मुताबिक घर पर पूजा पाठ और अनुष्ठान चल रहा था और सोने चांदी के जेवरात की आवश्यकता लगने पर जब अलमारी चेक की गई तो उसमें जेवरात नहीं मिले। एक विजयनगर में एक FIR पंजीबद्ध हुई है और इसमें बेसिकली एक जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ने उसने शिकायत की थी कि उससे घर से मोबाइल और अन्य कुछ चीज़ चोरी हुए हैं और उसका संदेह भी कुछ था कि घर में कोई क्योंकि आता जाता नहीं है, जो वहाँ घर में जो रेगुलर काम करने वाले लोग हैं, जो मतलब घर में मेट वगैरह है, उन पर भी संदेह व्यक्त किया गया था। ये संदेह के आधार पर जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की गई है तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है और लगभग 5 लाख के आसपास का उसमें कुछ आईफोन है, कुछ और भी अन्य सामान है, पूरा पुलिस ने उसमें बरामद कर लिया गया है और उसमें कानूनी कार्रवाई। चोरी करने वाली कौन महिला थी? बेसिकली ये मतलब खुलासा हुआ है कि जो चोरी करने वाली जो मेट थी, वही जो घर में उनके काम करती थी, कामकाजी महिला थी, उसी ने ये पूरी घटना को अंजाम दिया था और उसके बाद से वो मतलब आना भी छोड़ गई थी, इसी आधार पर संदेह हुआ था। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में अज्ञात महिलाओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।